वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस से निष्कासित किए जा चुके हैं 6 साल के लिए, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन को लेकर थे मुखर, विपक्ष के निशाने पर थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बढ़ती जा रही थी लोकप्रियता, लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस में मचा था बवाल। लोकप्रियता के चलते कांग्रेस के कुछ नेताओं के निशाने पर थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आज कल्की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बात का करेंगे खुलासा, लोगों में सवाल क्या राम नाम की मिली सजा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्की धाम में किया है आमंत्रित पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को। और इसी के साथ संतों में चर्चित चेहरा है आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये बड़ी जानकारी, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया है, बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर विपक्ष के निशाने पर थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बढ़ती जा रही थी लोकप्रियता, और लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस ने मचा था बवाल। लोकप्रियता के चलते कांग्रेस के कुछ नेताओं के निशाने पर थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। और आज कल्की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि किन किन बातों का वो खुलासा कर सकते हैं। लोगों में सवाल क्या राम मंदिर, जाने की मिली सजा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्की धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। संतों में चर्चित चेहरा है आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये बड़ी जानकारी, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से निष्कासित। और हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप उस तस्वीर को भी, उस पत्र को भी देख सकते हैं जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया है। और इसी के साथ लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस में बवाल था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और बिल्कुल पार्टी के एकदम अगेंस्ट जाकर वो बयान दे रहे थे। और अयोध्या में भी आपने देखा होगा कि रामलला के दर्शन के लिए भी वो शामिल हुए, और जिस तरीके से रामलला को लेकर क्या कांग्रेस का स्टैंड था, और वो बिल्कुल उसके अपोजिट बयान देते हुए नजर आए। और क्या आप लोगों के मन में यही सवाल कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम को रामलला के दर्शन की सजा मिली है? और देखिए, संतों में चर्चित चेहरा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। आपको बता दें कि 6 साल के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने कहा कि अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने की शिकायतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए एक बड़ा जो है, बड़ी ब्रेकिंग से कह सकते हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देखिए निशा, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से उनका पुराना नाता रहा है, और कांग्रेस पार्टी उन पर कहने के भरोसा भी जताती रही है। और यही कारण है कि अगर पिछले लोकसभा चुनावों में देखें तो लखनऊ से राजनाथ के अगेंस्ट में उनको कांग्रेस पार्टी ने कहने से प्रत्याशी बनाया था लोकसभा का। हालांकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आचार्य प्रमोद कृष्णम की जो नजदीकियां है वो भाजपा पार्टी से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण देने की बात हो या फिर तमाम बार जो बयानबाजी है राम मंदिर को लेकर वो करते हुए नजर आए हैं। अपने ही पार्टी के तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम कटघरे में खड़े करते रहे हमेशा। तो साफ तौर पर जिस तरह से अलग अलग समय पर जो अलग अलग बयानबाजी प्रमोद कृष्णम की तरफ से की गई है, और अलग अलग आयोजनों में कहीं ना कहीं जिस तरह से आमंत्रित करते नजर आए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पार्टी के तमाम बड़े नेताओं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। खासतौर पर
सेनेट में एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया है। और अगर बात की जाए आगामी लोकसभा चुनावों को अगर देखें निशा, तो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का जरूर प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी पार्टी में रहने के बाद में गलत बयानबाजी करता है या फिर दूसरे दलों से नजदीकियां बढ़ा रहा है तो उसके लिए पार्टी में कोई स्थान कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों को पार्टी से अलग थलग कर दिया जाएगा, चाहे वो नाम कोई भी हो या उनका जनाधिकार कितना भी बड़ा हो। तो साफ तौर पर एक मैसेज देने का जरूर प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है कि जिस तरह से आचार प्रमोद किशन बयानबाजी करते हुए नजर आए थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, तो उसके क्रम में एक बड़ा फैसला कांग्रेस जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर लिया है और अब 6 साल के लिए आचार प्रमोद किशन उनका निष्कासन कर दिया गया पार्टी। अनिकेत देखिए उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और ऐसे में अब लोगों के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या रामलला के दर्शन की ये सजा कांग्रेस ने उन्हें दी है? निश्चित तौर पर अगर देखिए आचार प्रमोद कृष्णम को निशा, तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया पर जो फोटो आचार प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो सामने निकल कर आई वो उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई समयों पर उन्होंने अलग अलग बयानबाजी भी किए, अपने ही पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता है उनको कहीं ना कहीं वो खड़गड़े में खड़े करते रहे राम मंदिर को लेकर। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो आगामी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी से न केवल कांग्रेस पार्टी को डट हो रहा है बल्कि एक जनाधिकार की अगर बात की जाए तो आगामी लोकसभा में जनाधिकार भी खत्म हो सकता है क्योंकि ये आचार। चलिए बहुत शुक्रिया अनिकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी बीच तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से नेता अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। अश्विनी शाही जी अब खबर तो आप तक भी पहुंच चुकी होगी, एक बड़ा फैसला जो है कांग्रेस की तरफ से लिया गया है जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से 6 साल के लिए, क्या समझे कि रामलला के दर्शन की सजा उन्हें मिली है? शाही जी जी मिश्रा जी देखिए कांग्रेस किसी भी सनातनी को पसंद नहीं करती है, ये सनातनी होने का ढोंग रखते हैं। क्या गलत कहा था प्रमोद कृष्णम जी ने, उन्होंने तो रामलला की बात की थी, उन्होंने तो सनातन की बात की थी क्योंकि वो कल्कि धाम के प्रमुख भी हैं तो वो अपनी बात करते रहे। तो कांग्रेस ने निकाल कर ये सबूत दिया है कि सनातन विरोधी है कांग्रेस, ये राहुल गांधी जो है घूम घूम कर जो दिखावा करते हैं वो ढोंग है उनका। असल में अगर कांग्रेस जो है राम के साथ होती तो ये सब चीजें उनको जाकर मंदिर में भी दर्शन करते और प्रमोद कृष्ण जी को ये सब सनातन का पक्ष लेने के लिए निकाला ना जाता। प्रमोद कृष्ण जी ने आज ट्वीट करके भी कहा है कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं, बहुत ही शानदार ट्वीट है उनका। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि तुष्टीकरण में कितना नीचे तक जाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस इसीलिए धीरे धीरे हिंदुस्तान की आवाम उनको समेटती जा रही है। अब 24 में 24 के ऊपर कांग्रेस का कोई वो नहीं है, सनातनियों का जो अपमान करेगा राष्ट्र उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल शाही जी, वही जो ट्वीट किया गया है राम और राष्ट्र से समझौता नहीं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी ने जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से लटकाने भटकाने अटकाने का काम हर चीजों के पीछे कांग्रेस का ही हाथ होता है। अभी देखिए हल्द्वानी में 3 दिन पहले दंगे हुए, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद जो है उन दंगाइयों के पक्ष में जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए वहां के एक नेता को लेकर। तो ये क्या कहा जाए, हमेशा सनातन हमेशा राम हमेशा हिंदू के विरोध में रहने वाली ये पार्टी क्यों ना रहे, क्योंकि वो परिवारवाद की पार्टी है और उस परिवारवाद में छद्म सनातन को ओढ़ रखा है। उन्होंने जो दिखावा दिखाया है कि राष्ट्र के लिए, कभी उन्होंने राष्ट्र के लिए किया? नेहरू जी से के जमाने से देखकर ले लीजिए और आज तक देखिए, कभी राष्ट्र के लिए उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए हो तो बताइए। वो मजबूरी के फैसले, मैं नहीं कहता कि देश चलाना जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस में और भी नेता थे उनको देखकर चुना गया, मगर कभी भी राष्ट्र के लिए इनके अच्छे फैसले नहीं हुए। राम मंदिर को उन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम को काल्पनिक बताया। 19 के चुनाव में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी इसका फैसला न दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने हमारे साथ भाग लिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका।